स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर 14 ऑफ क्लास सेकंड. चैप्टर नेम इज कंजक्शन. ओके, इन लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 13. ओके, आई थिंक दिस इज योर चैप्टर लास्ट. उसके बाद हम जो आपकी एप्लीकेशन है, पोएम है और कंपोजिशन है वो हम कराएंगे. ठीक है, तो कंजक्शन क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल वर्ड में बता दूँ, कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसों को, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं. जैसे कि आपने सीखा है कि 2 और 2 + 2 = 4. ठीक है, हमने प्लस कर दिया, बट इंग्लिश में तो हम हर चीज़ों को प्लस नहीं कर सकते, है ना. सो इंग्लिश में क्या करता है, हम दो वर्ड को हम किसी और वर्ड से लगा के उसे कंजक्ट कर देते हैं, मतलब उसको जोड़ देते हैं. तो कंजक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. स्पीक विद मी. कंजक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स विच ज्वाइंस द वर्ड्स और सेंटेंसेस. सेंटेंसेस और वर्ड्स को जोड़ते हैं. सपोज आपके पास एक पेंसिल है, पेंसिल और रेजर है. मैंने खुद बोला मुझसे पेंसिल और भी जो बोल रहे हैं ना, पेंसिल रेजर, बोले पेंसिल और बोल दिया. जैसे इंग्लिश में बोलते हैं पेंसिल एंड इरेजर. इरेजर तो एंड क्या है हमारा? कंजक्शन वर्ड. ठीक है, कंजक्शन हमारा. ठीक है, कौन कौन से होते हैं कंजक्शन वर्ड? एंड होते हैं, इफ़ होता है, बट होता है. और एंड हो गया, बट हो गया, इफ़ हो गया. ठीक है, और अभी आप लोगों के लिए यही इतना सीखना बहुत है, इतना करते हैं. सो अब सेंटेंस पढ़ते हैं कुछ. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. आई हैव अ चेयर, आई हैव अ टेबल. अब इन दो सेंटेंसों को जोड़ना है. ठीक है, अब हम अपनी ही तो बात कर रहे हैं कि मेरे पास दो चीज़ें. हम थोड़ा बार बोलेंगे आई हैव पेंसिल, आई हैव बॉल, आई हैव, किसको सुना रहे हो तो बोल दो आई हैव पेंसिल, रेजर, कलर्स एंड बॉक्स. इट इज ऐसे बोल सकते हैं आप लोग. ठीक है, आई हैव चेयर, आई हैव टेबल. इसके जगह हम ये बोलेंगे आई हैव अ चेयर एंड अ टेबल. चेयर है और के लिए हम जोड़ेंगे, लगा देंगे एंड लगा के इसको हम प्लस कर देंगे, है ना. हम चेयर जोड़ेंगे बट लगा के. बट से कैसे लगाते हैं? द गर्ल वॉन्ट्स टू गो टू द पार्टी. गर्ल, लड़की को पार्टी में जाना है. द गर्ल इज इल, लड़की बीमार है, मतलब उसे जाना है पार्टी में, वो बीमार भी है. तो कहेंगे द गर्ल वॉन्ट्स टू गो टू द पार्टी बट शी इज इल. बट शी इज इल, वो बीमार है. अभी ना क्या करेंगे तो समझ आएगा. ठीक है, साहिल इज अ गुड बॉलर, साहिल इज अ गुड बैट्समैन. इससे हम कैसे जोड़ेंगे एंड से? साथ में लिखिए साहिल, लिखिए अपने साथ में इज अ गुड बॉलर. इतने यहाँ बॉडी, यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, पॉज करिए. ठीक है, पॉज करके. ठीक है, हमने कहा साहिल इज़ अ गुड बॉलर एंड अ गुड बैट्समैन. तो हम इसी के आगे लगा देंगे एंड के आगे. एंड लिखा था हमने भी, एंड अ गुड बैट्समैन. ठीक है, क्लियर. और है सर, आपको ऐसे जोड़ना है साहिल इज़ अ गुड बॉलर एंड इतना काटेंगे. अच्छा, अब देखिए साहिल इज अ गुड बॉलर, रिहान इज अ गुड बॉलर. अब यहाँ देखिए दो लड़के हैं, एक की बात नहीं हो रही है. जब एक की बात होती है, अगर हम साहिल की बात करें, साहिल में बहुत सारी क्वालिटी हैं, तो हम साहिल लिखते हैं और बाकी बारी चीज़ों को एंड से ढूंढते हैं. लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास दो नेम हैं तो हम लिखेंगे, दोनों लिखेंगे साहिल. लिखिए नंबर टू, लिखिए साहिल एंड रिहान इज अ गुड बॉलर. ठीक है, कर लेंगे. नेक्स्ट, रिया इज यंग, रिया इज़ ब्यूटीफुल. तो रिया यंग भी है और ब्यूटीफुल भी, तो लिखेंगे. नंबर थ्री है हमारा,
रिया इज यंग एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, अब क्या है, द मैन इज ईटिंग एन एप्पल, द मैन इज ईटिंग एन ईटिंग ए बनाना। तो अब आदमी एप्पल भी खा रहा है, बनाना भी खा रहा है, तो लिखेंगे सेम। बस हमें क्या करना है, एप्पल तो यहाँ तो सेम सेंटेंस लिखेंगे, बस यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड अ बनाना। ठीक है, बहुत ही इजी है। द मैन इज ईटिंग एन एप्पल एंड एन एप्पल एंड अ बनाना, बी ए एन ए एन ए बनाना। ठीक है, बस ओके ओके। नेक्स्ट क्या, राधिका बाय द पेन से, राधिका बाय शार्पनर, तो राधिका क्या खरीदती, राधिका वेट, राधिका बाइज अ पेंसिल एंड अ शार्पनर, एस एच ए आर शार्प पी ई है, आपको बुक में लिखा हुआ सेम नोट करना है। ठीक है, क्या खरीदती है, पेंसिल खरीदती है, इतना लिखेंगे, इतना काट देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एंड अ शार्पनर, बस। ठीक है, क्लियर। अब सेंटेंस को आपको बट लगा के ज्वाइन करना है। ही सिंग्स वेल, ही फेल्स इन द बॉयज टेस्ट। अब क्या करेंगे, दो सेंटेंस बहुत बढ़िया हैं, आपको उसमें बस इसमें कुछ निकालना ही करनी है। ही सिंग्स वेल, अब यहाँ पर लगा देंगे बट ही फेल्स इन द बॉयज टेस्ट, फुल सेंटेंस सेम उतार देंगे। ठीक है, ऐसे ही सिंग्स बट, सॉरी मैं लिख दे रही हूँ, ही सिंग्स वेल बट ही फेल्स इन द बॉयज टेस्ट, लिख देंगे पूरा सेम, ही फेल्स इन द बॉयज टेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। अब मैं जहाँ जहाँ लिख दूँगी आपको वहीं पर सेम सेंटेंस गाना सेम है। ठीक है, पूरा पूरा काटना नहीं है, ऐसे करना है। द बॉय इज फैट, द बॉय इज वेरी एक्टिव, हम लिखेंगे द बॉय इज फैट बट वेरी एक्टिव, द बॉय इज फैट बट ही इज वेरी एक्टिव, बट ही इज वेरी एक्टिव, मैं लिख दे रही हूँ, द बॉय इज फैट बट ही इज वेरी एक्टिव, ए सी टी आई वी ई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नीता इज टॉल, नीता लंबी है, हर फ्रेंड इज शॉर्ट, तो नीता इज टॉल बट हर फ्रेंड इज शॉर्ट, यहाँ पर से आप बट लगा देंगे बस, और पूरा सेंटेंस हम उतार देंगे, बन गया हमारा। ठीक है, द एप्पल्स आर स्वीट बट ऑरेंज आर सो श्योर, बट लगा देंगे पूरा सेंटेंस, सब पूरी लाइन सेम उतारनी है आपको, बस बीच में आपको लगाना है बट। ठीक है, बट लगा के उतार देना पूरा सेंटेंस। ठीक है, क्या देंगे, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, सेम उतार देना है पूरा। अब क्या है आगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद एंड और बट। ठीक है, यहाँ पर क्या फिल करना है, वी ईट अवर डिनर एंड गो टू बेड, राकेश वॉक टू स्कूल बट मीना गोज बाय बस। ठीक है, राकेश चल के आता है लेकिन मीना बस जाती है। साहिल हैज़ अ पैट डॉग एंड अ कैट। ठीक है, स्नेह
स्नेहा बायज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अमित प्लेज फुटबॉल एंड हिज फ्रेंड्स अमित फुटबॉल खेलता है. हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट बट हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट. ठीक है. ओके एक और है. क्या है? ज्वाइन द राइट पेयर्स एंड राइट देम यूजिंग कंजक्शंस. तो सन के हाथ क्या होता है? सन एंड मून. सन आपको यहाँ पर लिखना है. पहला नंबर के सन था ना, देखेंगे सन एंड मून. ठीक है, नंबर वन में लिख दिया. नंबर टू में क्या आएगा? ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर एंड करके लिखना है आपको जोड़ के. नंबर थर्ड क्या है? कप एंड सॉसर. ठीक है, CUP कप एंड सॉसर. SAUCER सॉसर. ठीक है, करना है आपको. ये कर लीजिएगा. ठीक है, कॉपी बुक में रखा अच्छे से, और एक दो बार करेंगे प्रैक्टिस, हो जाएगा. ठीक है, बाय, टेक केयर.